अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्र आ गए हैं तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए एक साबूदाना की खिचड़ी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है इसे। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप साबूदाना, जिसे ओवरनाइट मैंने भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुका है। लेंगे हम एक बड़े साइज का आलू, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी हरी धनिया लिया है मैंने यहाँ पर, 1/3 कप भुनी मूंगफली, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है। और यहाँ हम लेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, सेंधा नमक स्वादानुसार, आप व्रत के लिए नहीं बना रहे तो नॉर्मल नमक का भी यूज कर सकते हैं, 3 से 4 करी लीव्स, यहाँ पर 1 नींबू का रस, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी चीनी और रिफाइंड ऑयल। अगर आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे ये जीरा। तो जीरा हमारा क्रैकल हो चुका है, अब हम यहाँ डालेंगे ये आलू। आलू को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। मैं अभी थोड़ा नमक यूज कर रही हूँ, थोड़ा नमक मैं साबूदाना जब डालूंगी तब भी डालूंगी। तो आलू थोड़े से भुन चुके हैं, अभी ये पूरे नहीं तैयार हुए हैं। तो अब हम डाल देंगे इसमें ये ग्रीन चिली और ये करी लीव्स, अच्छे से मिला लेंगे हम। तो आलू हमारे अच्छे से भून चुके हैं और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब यहाँ हम ये दरदरी कुटी हुई मूंगफली डाल देंगे और ये साबूदाना भी इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ ये हम थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। डालेंगे ये चीनी, दोनों को अच्छे से मिला देंगे। हम इसे लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से उलट पलट देंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी खिली खिली खिचड़ी तैयार हुई है अपनी। अब हम इसमें डाल देंगे ये नींबू का रस। इसमें डालेंगे अब हरी धनिया। ये हमारी साबूदाना की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो साबूदाना खिचड़ी हमारी बनकर तैयार है और मैंने इसे यहाँ सर्व भी कर लिया है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पास लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।